brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अबे चौटाला कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डमी कैंडिडेट उतारे हैं हरियाणा के अंदर, वो बीजेपी का फायदा करवा रहे हैं। जेजेपी के कई नेता छोड़कर गए हैं लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को हुआ है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के पल्ले भी कुछ नहीं है, कांग्रेस के स्वयं के बड़े बड़े लोग इधर उधर भाग रहे हैं और आज किसी की दुकान में सामान नहीं बचा। सर अभय चौटाला कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डमी कैंडिडेट उतारे हैं हरियाणा के अंदर, वो बीजेपी का फायदा करवा रहे हैं। देखिए क्योंकि ये राजनीति है, सबने अपने अपने उसके अंदर झांकना चाहिए, उसको भी झांकना चाहिए। एक सवाल ये दिव्यांशु बुद्धि राजा कह रहे हैं कि इन्हें फसाया गया है और किसी तरीके से वो भ्रम फैला रहे हैं। देखिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उसकी जांच हो रही है क्योंकि कांग्रेस आजकल झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके सस्ती और लोकप्रियता हासिल करनी चाहती है। वो गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हैं, उन्होंने काम तो किए नहीं परंतु लोगों में झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके वोट लेना चाहते हैं। परंतु मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का 55-60 साल का शासन देखा है, 55-60 साल के शासन के अंदर सरकार भी रिटायर कर देती है और जब इतना लंबा शासन उन्होंने किया हो और उस शासन के अंदर वो प्रदेश की, देश की अपेक्षाओं के ऊपर खरा ना उतरे हो तो लोगों ने उनको नकार दिया है, अब वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। ऐसे झूठ के अंदर वो ना आए, ऐसा मेरा आग्रह है। नरेंद्र मोदी जी आज देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और ईमानदारी से बढ़ा रहे हैं और मेरा सभी से आग्रह है ऐसे व्यक्ति को। जेजेपी के कई नेता छोड़कर गए हैं लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को हुआ है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए निशान सिंह भी हैं, कांग्रेस की भी दुकान खाली है, कांग्रेस के पल्ले भी कुछ नहीं है, कांग्रेस के स्वयं के बड़े बड़े लोग इधर उधर भाग रहे हैं और आज किसी की दुकान में सामान नहीं बचा। अगर कहीं लोग घूम करके आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य को सुरक्षित मान रहे हैं और आज लोग आ रहे हैं।